एहसास होगा, मैं जो चीज ले रहा है वो चीज मेरे लिए सही है। ओके गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर स्पेशल न्यूज़ सेगमेंट। आज हमारे साथ सिंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर गुमसोंग लगांग, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर पिंगदा सिकेत एंड सेक्रेटरी आरटीआई मिस्टर नोंग सेंग फुनिन के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरव्यू है, जिन्होंने हाल ही में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बोडुमसा में करियर काउंसिलिंग का वन डे अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड वी डू रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस हियर एंड योर एफर्ट्स इन ऑर्गेनाइजिंग सच अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन आवर कम्युनिटी। तो हम शुरुआत करते हैं आपके करियर काउंसलिंग कार्यक्रम से। क्या आप कृपया हमें इसके उद्देश्य के बारे में बता सकते हैं और इससे छात्रों को क्या लाभ होगा? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस एट द हॉर्नबिल पोस्ट। जैसा कि मैं बता देना चाहूँगा, हम लोग ने हाल ही में जो करियर काउंसलिंग कम वन डे ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम जो रखे थे कमन हायर सेकेंडरी स्कूल बोडुमसा में, ये हमने खास करके हमारे जो यूथ्स है, स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे कल के दिन में फ्यूचर बनेगा, उनके लिए हमने खास करके रखे हैं। जहां बहुत सारे सेगमेंट्स में हमने बच्चों पाए हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड से लोग आए हैं, उन सभी को हम करियर गाइडेंस पहले दिया और साथ ही साथ में ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम हमने दिए हैं उनको। तो जैसे कि मैं बता देना चाहूँगा, हमारे सिंफोइट ऑर्गेनाइजेशन अभी एक्टिवली काम कर रहे हैं, हमारे खास करके सबसे पहले बोडुमसा में हमने काम कर रहे हैं, और हमने मेडिकल टीम, साइकोलॉजिस्ट टीम, काउंसलर टीम, एजुकेशनिस्ट एक्सपर्ट, पुलिस ऑफिसर, हमने सभी क्षेत्र से लोगों को बुलाया जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट थे। इवन आईटी इंजीनियरिंग से भी हमने बुलाया जो कि करियर काउंसलिंग तथा लोगों को, बच्चों को इंस्पायर करने के लिए हमने लोगों को बुलाया, और बहुत सारे स्टूडेंट, मोर देन 400 स्टूडेंट उस चीज़ को लाइफ टाइम प्राप्त कर पाए हैं जो कि हमने हाल ही में जो प्रोग्राम रखे थे, जहां हमने स्टूडेंट्स को खास करके हमने बहुत सारे बात बताए कि किस प्रकार से वे क्लास 10 प्लस 2 करके कौन से लाइन में जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बोडुमसा एक रूरल एरिया है, रूरल एरिया होने के कारण यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स के माता पिता एकदम ब्रॉडली नहीं सोच सकते हैं, जो कि जैसे कि बीइंग ए इंटेलेक्चुअल यूथ मैं खुद भी मतलब कुछ कुछ इस प्रकार से मतलब प्रोग्राम होता है स्टूडेंट्स का कि हम लोग भी कभी नहीं सुना है। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर, उन लोग वो सब चीज़ हम लोग नहीं सुना है। हम लोग यहाँ पे क्या सुनता है, सबसे सबसे कॉमन डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पुलिस, इतना तक ही सुनता है। लेकिन बियॉन्ड दैट बहुत सारा ऐसा स्ट्रीम है जो कि हमारे स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं। तो इसी कारण से हमने एक करियर काउंसलिंग प्रोग्राम रखा था जो कि बाहर से भी लोग आए हैं और उनको इंस्पायर किए हैं। मैं करियर काउंसलिंग के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूँ। जैसे कि पहले जब हम लोग स्कूल में था, जब हम लोग क्लास 10 था या 12 में था, हम लोग का आगे कोई नहीं था कि लाइक हम लोग को कोई करियर काउंसलिंग दे। जैसे कि 10 पास हो गया, अभी इतना नॉलेज नहीं था कि साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है, हम लोग को आइडिया नहीं था। हम लोग खुद खुद से मतलब चॉइस करके अपना रास्ता खुद ढूंढ के मतलब आर्ट्स लिया मैंने। फिर मैंने 12 आर्ट्स किया, उसके कॉलेज में भी हमको क्या ऑनर्स लेना है या नहीं लेना है मुझे कुछ आइडिया नहीं था। इस विषय में हम लोग का करियर काउंसलिंग करने का मेन मुद्दा यही है कि जो चीज हमें नहीं मिल पाया वो कल का दिन का जो फ्यूचर, हम लोग का फ्यूचर है, वो लोग को वो चीज मिले कि हम लोग मतलब काउंसलिंग का थ्रू वो लोग को नॉलेज दे सके कि वो लोग क्या कर सकता है, क्या ले सकता है। वही मैं बस उतना ही कहना चाहूँगा। आपने जो करियर काउंसलिंग प्रोग्राम के साथ वन डे अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन ड्रग अब्यूज भी रखा था, आपने इस विशेष मुद्दे पर ही फोकस करना क्यों चुना और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये ड्रग्स का बारे में अवेयरनेस कैंपेन क्यों किया गया है, सबसे पहले वो भी स्कूल स्टूडेंट को फोकस करके स्पेशली, क्योंकि एक जो आपका 11-12 का बच्चा नहीं बोल सकते, 9-10-11-12 का बच्चा होता है, वो एक टीन एज स्टेज में होता है जो कि
तो वो लोग का माइंड स्टेबल तो होता है लेकिन मेच्योर्ड नहीं होता है। उस समय वो लोग को समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या सही नहीं है। तो थोड़ा मौज मस्ती में मतलब कहीं भे भी जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग ले रहे हैं या आगे लेंगे, लेकिन हमारा सिंपो यूथ ऑर्गेनाइजेशन का मुद्दा यही था कि कल का दिन में वो लोग ये ड्रग्स ना ले बोल के हमने अवेयरनेस कैंपेन किया। क्योंकि तीन एज समय एक ऐसा स्टेज है जहाँ में बच्चा लोग भटकता है, इसलिए हमारे टीम ने उस पर फोकस किया। थैंक यू। जैसे कि ये पर्टिकुलरली हमने इसीलिए चूज किया क्योंकि आज का दिन में जो ड्रग है, जो ड्रग एब्यूज है, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मतलब सोसाइटी में फैल रहे हैं और ख़ास करके स्कूल स्टूडेंट ही इसका शिकार बन रहे हैं। और मैं ये भी बता देना चाहूँगा कि अभी हाल ही में हमारे अरुणाचल प्रदेश में जो नामसाई डिस्ट्रिक्ट है, हमारे एकदम करीबी मतलब नियर बाई डिस्ट्रिक्ट, उसमें HIV और हेपेटाइटिस सी के भी बहुत सारे सिम्टम्स मिले हैं, बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हुए। तो इसी कारण हम लोग जो सिंग फॉर यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, वे स्कूल में आके हम हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको अवेयरनेस देना इसलिए सोचा कि कल का दिन में हमारा जो बच्चे हैं वो इसी चीज़ का शिकार ना बने। और मैं बता देना ये भी चाहूँगा कि क्योंकि स्कूल में विभिन्न क्षेत्र से लोग आते हैं, स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, तरह तरह के गाँव से आते हैं, तो हम गाँव में भी काउंसलिंग प्रोग्राम तो दे रहे हैं, लेकिन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हर कम्युनिटी से लोग आते हैं और हम बड़ी सभा में लोगों को समझा सकते हैं। तो इसी उद्देश्य को लेते हुए ही हम लोग ने इस चीज को स्कूल में शुरुआत किया है। आप छात्रों को उनके करियर अपॉर्चुनिटीज में समर्थन जारी रखने के लिए और उन्हें नशीले पदार्थ के दुरुपयोग के खतरों के बारे में आगे भी शिक्षित कराने के लिए क्या योजना बना रहे हैं? देखिए, योजना तो इस प्रकार से है, काफी बड़ा योजना बोल के नहीं है, लेकिन जब यूथ के बारे में आता है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा ही बन जाता है क्योंकि यूथ से फ्यूचर है हमारा। तो हम यही सोच रहे हैं और हम करके भी आ रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम बड़ी मात्रा में करेंगे, जो कि अवेयरनेस प्रोग्राम। सबसे बड़ा टूल्स तो हमारा जो अवेयरनेस है, जो कि खास करके जो जिस फील्ड में जानते हैं, जैसे कि हमारा रिसोर्स पर्सन, वो टेक्निकली रिसोर्स पर्सन अगर कुछ बताएंगे तो हमारे स्टूडेंट्स उस चीज़ को समझ पाएंगे। जैसे कि हमारे स्कूल दिनों में भी हमने भी हमको भी बहुत लोग ने इंस्पायर किए हैं, तो आज तक भी हम उस चीज़ को ध्यान में रख पाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम यही सहायता कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम को बार बार करते रहें, जगह जगह में करते रहें, सिंक्रोनाइज वे में महीना के हिसाब से या दो महीना के हिसाब से हम करते रहें। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया और भूल गया, हम लोग इस चीज़ को बार बार करते रहेंगे ताकि हमारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को ना भूले और जो हम इंस्पायरेशन देना चाहते हैं वो उस चीज़ को गेन कर पाए। देखिए, आज हम कहीं पे मुद्दा उठा दिया, प्रोग्राम कर दिया, मिठाई खा लिया, ऐसा नहीं होता है। हम क्या करना चाहते हैं, हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि हाँ भाई, आप ये कर रहा है, आप गलत कर रहा है, ये कर रहा है, आप सही कर रहे हैं। जब तक स्टूडेंट्स नहीं समझेंगे तब तक हम जितना भी काउंसलिंग प्रोग्राम रखे, अवेयरनेस प्रोग्राम रखे, ये वैल्यूलेस होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम बार बार स्टूडेंट्स को हम गाइडेंस देते रहें और हम विजिलेंस, हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है वो विजिलेंस टीम में रहेंगे। और जैसे कि हमने उस दिन भी कहे थे हमारे मीटिंग के दौरान कि जितने भी स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म में सिगरेट लेते हैं, तंबाकू लेते हैं, उस चीज़ को हम देखेंगे और उसको हम लोग एक्शन लिया जाएगा। तो मैं मीडिया के मीडियम से भी यही बोलना चाहूँगा, जो कि पेरेंट्स हैं उनको भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपका वार्ड जब स्कूल जाते हैं और आपका वार्ड अगर कुछ दुरुपयोग कर रहे हैं, कुछ गलत दिशा में जा रहे हैं, तो आपको जरूर मालूम होगा। तो अगर कुछ इस प्रकार से है तो हमें बताइए, सिंपो यूथ ऑर्गेनाइजेशन को बताइए, ताकि हम उनको हेल्प कर सके। और हम बहुत ही करीबी से हम स्टूडेंट्स को देखेंगे और कल का दिन में अगर कोई स्टूडेंट्स नार्कोटिक एक्टिविटीज में पाया जाता है तो उनको हम हेल्प करने के लिए भी रेडी है। उनके लिए हम कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जो ऑलरेडी ड्रग लेके बैठा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है।
तो वो हमें डायरेक्ट आके कंसल्ट कर सकते हैं, हम उनको सहयोग करेंगे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, हम प्रयास करेंगे उनको, हम रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी हम फ्रीली एडमिट कराएंगे सिंगापुर यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो इसी प्रकार से हम उनको टाइम टू टाइम गाइडेंस देते रहेंगे और इसी प्रकार से हम उनको जितने भी नार्कोटिक सब्सटेंस है उनसे दूर रखने के लिए हम प्रयास करेंगे, यही है। इस इंटरव्यू को समापन करने से पहले क्या आप हमारे दर्शकों के साथ कोई अंतिम विचार या संदेश साझा करना चाहेंगे? तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेल सिंपो यूथ ऑर्गेनाइजेशन आज का दिन में बोर्डिंग साथ क्यों फोकस कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहूँगा टू द व्यूअर्स जो हमें देख पा रहे थे मीडिया के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि चोंगखाम के लिए चोंगखाम यूथ है, नमसाई के लिए ऑल दाइखाम की सिंपो स्टूडेंट यूनियंस है, उसका बाद में ऑल नमसाई फिजिक्स स्टूडेंट यूनियन है, म्याओ के लिए ऑल सिंपो रमाफुंग है, चांगलांग हेडक्वार्टर के लिए ऑल चांगलांग फिजिक्स स्टूडेंट यूनियन है, लेकिन बोडुंगसा के लिए कौन है? तो आज का दिन में हम यहाँ खड़ा हो रहे सिंपो यूथ ऑर्गेनाइजेशन वो बोडुंगसा के लिए सिर्फ नहीं, हर जगह हर किसी को साथ तो देंगे लेकिन स्पेशली हम लोग बोडुंगसा को देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिंपो यूथ ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग साथ नहीं देगा, आप लोग साथ देना पड़ेगा। कल का दिन में ऐसा नहीं है कि हम लोग एक क्रेडिट गेम खेल रहे हैं ऐसा बोल के नहीं है, हम लोग बोडुंगसा का फ्यूचर यूथ प्ले, बोडुंगसा में कितने जनजाति है कितने लोगों के आदमी है, हम लोग सिर्फ ये सिंपो सोसाइटी के लिए नहीं, फॉर द वेलफेयर ऑफ बोडुंगसा हम लोग इसलिए ये कर रहे हैं। सिंपो यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने पहला कदम लिया गया है अभी अच्छाई की तरफ से, तो आप लोग भी मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी हमें साथ दें। और कल का दिन में सिर्फ सिंफो बोल के नहीं है, नोक्टे बोल के नहीं, टंगसा आदिवासी ज्योरी बोल के नहीं, हम लोग सर बोडुंगसा वासी फ्यूचर ऑफ यूथ को हम लोग मतलब पूरे अच्छा से विद कैपेबिलिटी वेल एजुकेटेड विद ड्रग फ्री बोडुंगसा देखना चाहता है। थैंक यू। ये सिर्फ सिंफो ऑर्गेनाइजेशन का फायदा नहीं है, तो बिना प्रेसिडेंट में सिंपो यूथ ऑर्गेनाइजेशन में भी यही बोलना चाहूँगा कि हाँ ये सिंपो यूथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना फायदा है, ये सभी के लिए है। तो मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी जितने भी यहाँ में एनजीओस हैं, थोड़ा पहले भी बोला था एनजीओस, सिविल सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस वगैरह, लेकिन खास करके जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट यूनियन है, आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम लोग साथ मिल के काम करेंगे, इसमें कोई बड़ा छोटा क्रेडिट स्टूडेंट का बात नहीं, हम लोग भाईचारा में काम करेंगे, हम लोग जरूर इस चीज को इरिगेट करेंगे। और एक रिक्वेस्ट और एक भी है जो कि बोडुंगसा बॉर्डर होने के कारण एक साइड असम है एक साइड अरुणाचल है, तो जब भी हम लोग कुछ ना कुछ बात करता है तो इसमें आके थम जाता है कि उस पर असम है इस पर अरुणाचल है, तो अगर हम इधर सिगरेट बंद करेंगे तो असम में दाम बढ़ा देता है और अन्य लोग पीता है, तो यही चीज को हम असम के जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है आंसू है उनको भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग हम लोग जो फाइट कर रहे हैं ये सभी के लिए फाइट है, आप लोग भी हमारा साथ दीजिए और आप भी असम की तरफ जितने भी इलीगल एक्टिविटीज हो रहा है जो भी नेबरिंग बोडुंगसा आप लोग इनको भी थोड़ा सा आप लोग देख दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिक्वेस्ट है थोड़ा देख दीजिए ताकि हम लोग जो फाइट कर रहे हैं उसका एक फुल सोल्यूशन हम लोग ला सकें। Once again, thank you so much for your valuable time and also for the efforts जो आपने युवाओं को educate करने के लिए और guide करने के लिए जो कदम लिए हैं, और हम यही कामना करते हैं कि आप सभी प्रयासों में निरंतर सफलता प्राप्त करें।